एसाइलेशन इन केस ऑफ कर रहे थे उसमें हमने देखा कि जो ये रिएक्शन की जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ ए लुइस एसिड जैसे मैंने एल सी एल थ्री यूज किया था तो उस केस में जो ए एल सी एल थ्री अगर हम यूज करें एक्चुअली तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी कम होती है क्यों क्योंकि ए एल सी एल थ्री आप जानते हो अच्छी तरह से कि एक लुइस एसिड है और ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन पेयर अवेलेबल होते हैं तो ए एल सी एल थ्री यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर जाता है तो इस कारण ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम होती है तो वो रिंग को ज्यादा एक्टिवेट नहीं कर पाती तो इसलिए अगर हमें करनी हो फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन ही मतलब एल्काइल ग्रुप लगाना हो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर तो हम एनहाइड्रस अल, सी एल सी एल थ्री की बजाय यूज़ करते हैं एच एफ ये जो है ये यहाँ पे ऑक्सीजन से लोन पे एक्सेप्ट नहीं करता है तो अब जो हमें क्रीसोल मिलेगी वो थोड़ी अच्छी यील्ड में ऑब्टेन हो जाएगी ऑर्थोक्रीसोल और पैराक्रीसोल हमें इस रिएक्शन से ऑबटेन होती है प्लस नो डाउट एच तो बनेगा ही बनेगा और जो हमने कर हमें करनी होती है वो एसाइलेशन भी एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में उतनी इफेक्टिव नहीं होती जैसे अगर एसाइलेन करनी हो तो उसके लिए नो डाउट एसिड क्लोराइड यूज करना पड़ेगा तो क्या होगा यहाँ से एच प्रोड्यूस होना है एच को यहां से खींचने के लिए हम कोई बेस ऐड करते हैं ऑर्गेनिक बेस जैसे ऐड किया तो उस केस में जो ये हमारे पास एस्टर बनेगा इसकी परसेंटेज यील्ड थोड़ी अच्छी होगी क्योंकि जो एच प्रोड्यूस हुआ वो पिरीडीन के साथ उसी टाइम ही रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा पिरीडीन एक ऑर्गेनिक बेस होता है फिर इसी तरीके से अगर एसाइलेशन करनी हो तो उसके लिए और ज्यादा बेटर मेथड है कि हम एसिड एनहाइड्राइड यूज कर लें अगर हम एसिड क्लोराइड की बजाय एसिड एनहाइड्राइड यूज करें तो उस केस में रिएक्शन जो है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोसीड करेगी क्योंकि ये रिएक्शन हम करते हैं एसिडिक मीडियम में तो यहां पर जब एसिड एनहाइड्राइड हम ऐड करें तो रिएक्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एच टू एसओ फोर तो एच टू एसओ फोर जो है वो रिएक्शन करके इसी तरीके से ही या पोजीशन पर लगाता है इस ग्रुप को या पैरा पोजिशन पर और साथ में इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है तो ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है इसकी थोड़ी सी वर्किंग हम देखेंगे एच टू एस ओ फोर तो आप जानते हो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है एच पॉजिटिव एंड एच एस ओ फोर नेगेटिव में फिर जो ये एच पॉजिटिव आयन आया ये आगे जो एसिड एनहाइड्राइड है उसकी प्रोटोनेशन करेगा यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर हैं दो दो लोन पेयर तो एच पॉजिटिव जाके इधर प्रोटोनेशन कर देता है मतलब प्रोटोन की एडिशन को हम बोल देते हैं प्रोटोनेशन तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड बनने से पहले जो लोन पेयर था ये सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था और जब ये बॉन्ड बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला गया था वो ऑक्सीजन का तो इस तरीके से ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसलिए ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को टॉलरेट नहीं करेगी तो इधर से ऑक्सीजन जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेकर फ्री हो जाएगी और एक मिलेगा इथेनोइक एसिड और इसके साथ जो इलेक्ट्रोफाइल हमें ऑब्टेन होगा जिसने इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्टीट्यूशन करनी है वो है ये एसिटाइलिनियम आयन, जो बेंजीन रिंग की या पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्च्यूशन रिएक्शन कर देता है तो अब एसिड एनहाइड्राइड अगर हमने यूज किया फॉर एसाइलेशन आइलेशन तो उसमें हमने जो रिएक्शन करने के लिए कंसेंट्रेटेड एच टू फोर यूज किया है तो ये यहाँ पर फिनोल की ऑक्सीजन के साथ कोई रिलेशन नहीं करता यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म नहीं करता ये बड़ी इजीली यहाँ से एसिटाइलिनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल वो बना देता है इसलिए जो परसेंटेज यील्ड ऑफ़ प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी होती है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो हमने देखी कि फिनोल के केस में हम एनहाइड्रस सी एल सी एल थ्री या एफ सी एल थ्री यूज़ नहीं करते जब एल्काइलेशन करनी हो तब रिएक्शन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एच एफ और जब ऐसाइलेशन करनी हो तो उसके लिए हम uh, अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं एसिड एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड यूज़ नहीं करते फिर जो एस्टर हमें ऑबटेन हुआ अब जैसे आप देखो अगर फिनोल में एसिड क्लोराइड ऐड किया जाए तब असल में क्या रिएक्शन होगी जैसे मैंने पहले लिखा था कि फिनोल में अगर एसिड क्लोराइड ऐड करें इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री ए एल सी एल थ्री तो इधर ऑक्सीजन के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर रिएक्शन को ही खराब कर देगा पर अगर एसिड क्लोराइड को ही एज सच सिर्फ डाला जाए इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस जैसे पिरीडीन तो तब क्या रिएक्शन असल में होती है यहां से एक मोल एच जो है वो लूज हो जाता है और हमें मिलता है ये फिनाइल इथेनोएट प्लस एच तो इसी तरीके से अगर एसिड एनहाइड्राइड भी यूज करें हम तो भी ऊपर जाके पहले रिएक्शन होती है हमें ये वाला कंपाउंड मिलता है फिनाइल एसिटेट या फिनाइल इथेनोएट तो फिर इसमें रीअरेंजमेंट करते हैं हम कि जो ये फिनाइल इथेनोएट बना अब इसमें अगर हम एनहाइड्रस एल सी एल थ्री भी ऐड कर लें तब कोई रिस्क नहीं होता है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा कम कर देता है इसलिए अब हम एनहाइड्रस एल सी एल थ्री डाल के इसको हीट कर सकते हैं तो तब ऑर्थो या पैरा पोजिशन से एक हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को मिल जाएगा और हमें मिलेगी ये वाला प्रोडक्ट और यहां जो एसिटाइल ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर जाके अटैच हो जाएगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर हुआ क्या है जस्ट एटम्स ने या ग्रुप्स ऑफ एटम्स ने अपनी पोजीशन ही एक्सचेंज की है तो ये पोजीशन एक्सचेंज करके याथो पैरा ऑर्थो पोजीशन पर गया या पैरा पोजीशन पर गया तो ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट तो ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जो आपको एज सच याद रखने की जरूरत होती है तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम फिनोल में एसाइलेशन करें तो उसके लिए चाहे एसिड क्लोराइड यूज करें चाहे एसिड एनहाइड्राइड यूज करें पहला अटैक उसका होता है ओ ग्रुप के ऊपर तो वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके एसिटाइल ग्रुप लगता है फिर हम उसमें करते हैं रीअरेंजमेंट और हमें जो रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट मिलता है वो बनता है यानी कि ये है ऑर्थोहाइड्रॉक्सी एसिडोफिनोन और ये है पराहाइड्रॉक्सी एसिडोफिनोन तो इसी तरीके से अगर हम बेंजोइलेशन करें यानी के बेंजोइल ग्रुप लगाएं अभी तो एसिटाइल ग्रुप लगाया था अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो तब हम देखते हैं कि, कि किस तरह से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगी तो ये है फिनोल फिनोल आपको पता है कि बड़ी इजीली जो हाइड्रोजन है उसको लूज कर सकती है एज एच पॉजिटिव आयन तो इसमें अगर ऐड किया जाए बेंजोइल क्लोराइड ये बेंजीन रिंग को मैं सी सिक्स एच फाइव की फॉर्म में ही लिख रहा हूं और यहां से एक मॉलिक्यूल एसिड का एक मॉलिक्यूल एच सी एल का लूज होगा और एच को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए हमें यहां पर कोई अलकली भी ऐड करना पड़ेगा तो इस तरीके से हमें मिलेगा ये फिनाइल बेंजोएट प्लस एच और एच जो है वो एन के साथ उसी टाइम रिएक्शन करके NACL और वाटर बना देगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग के हमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अगर एल्काइल ग्रुप लगाना हो एल्काइलेशन करनी हो तो तब हम एनहाइड्रस एल थ्री की बजाय एच यूज करते हैं और अगर हमें एसाइल ग्रुप लगाना हो तो उस केस में पहले एसाइल ग्रुप जाकर अटैच होता है ओएच वाले ऑक्सीजन पर फिर उसमें फ्रीज रीअरेंजमेंट करके हम जो एसाइल ग्रुप होता है उसको ऑर्थो पैरा पोजीशन पर शिफ्ट करवा लेते हैं तो ये रिएक्शन जैसे हम पहले करते रहे हैं कि बेंजीन रिंग में भी एरिन में भी हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की फिर हेलो एरिन में भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन की तो फिनोल्स के केस में ये उतनी इफेक्टिव नहीं रहती क्योंकि फिनोल्स में ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो ए के साथ कोऑर्डिनेशन शो कर जाता है तो इस तरीके से जो एसाइलेशन है उसका हमें जो ऑर्डर है वो चेंज करना पड़ता है और यहां पर अगर फिनोल में हम बेंजोइल क्लोराइड यूज करके बेंजोइलेशन करें तो इस रिएक्शन को कहा जाता है शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन तो ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है जो आपको याद रखने की जरूरत होती है तो शॉर्टन बॉम्बन रिएक्शन करने के बाद अब हम करेंगे फिनोल की रिएक्शन विद ग्रिग रिएजेंट्स तो आप नेक्स्ट रिएक्शन लिख सकते हो रिएक्शन विद ग्रिग रिएजेंट। ग्रेगनड रिएजेंट जब से हमने यूज करने शुरू किए थे उसी टाइम पे ही मैंने बता दिया था कि ग्रेगनड रिएजेंट को जब कभी भी एस बचा कर रखना हो तो रिएक्शन को किसी भी एसिड या प्रोटोन डोनर की प्रेजेंस से फ्री रखने की जरूरत होती है अब फिनोल तो हम जान चुके हैं कि अल्कोहल से भी ज्यादा और वाटर से भी ज्यादा एसिडिक है इसलिए अगर हम अब इसमें रिएजेंट यूज़ करें इसकी प्रेजेंस में जो ग्रेगनड रिएजेंट है वो इमीडिएटली इधर आ, से यहां से एक हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से एच पॉजिटिव निकलेगा इधर सी एच टू के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों मिलकर बना देंगे इथेन तो ग्रेगनड रिएजेंट वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम के साथ एक तरफ अटैच हो जाएगा फिनोक्साइड ग्रुप और एक तो उसके साथ ब्रोमीन ऑलरेडी अटैच है ही इस तरीके से ग्रिगनड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है फिर एक हम रिएक्शन करते हैं फिनोल की विद फेरिक क्लोराइड इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर फिनोल्स वो कैसे तो नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखोगे रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड रिएक्शन को मैं आर एक्स एन करके लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में रिएक्शन विद एफ थ्री या फेरिक क्लोराइड फेरिक क्लोराइड आपको पता है एफ थ्री को कहा जाता है तो फिनोल की रिएक्शन इसके साथ कैसे होगी अब हम फिनोल का एक्वासोल्यूशन अक्सर यूज करते हैं तो अगर हम फिनोल का एक्वा सोल्यूशन लें तो एक्वासोल्यूशन में फिनोल जो है वो काफी हद तक आयोनाइज हो जाती है प्लस अगर हम वाटर करें तो एक हाइड्रोनियम आयन लूज हो जाएगा यहाँ से एच पॉजिटिव जाएगा जो वाटर के साथ प्रोटोनेशन करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है तो इस तरह से हमें फिनोक्साइड आयन आ, मिलेगा इन केस ऑफ सॉल्यूशन अब अगर ये जो फिनोक्साइड आयन बना ये फिनोक्साइड आयन जो हैं जो FECL3 के साथ करेंगे हम यूज करेंगे एफ सी एल थ्री और इसके साथ सिक्स मोल्स ऑफ फिनोल जो इस तरीके से सिक्स फिनोक्साइड आयन जो है वो प्रोड्यूस करेगी तो अगर मैं डायरेक्टली यही लिख लू तो ये रिएक्शन होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो कॉम्प्लेक्स कलर्ड होता है डेट इज वायलट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास तो यहां पर आयरन के साथ ये फिनोक्साइड ग्रुप जो है ये सिक्स अटैच हो जाते हैं अब फी की ऑक्सीडेशन स्टेट थी थ्री पॉजिटिव इसके साथ सिक्स नेगेटिव अटैच हुए आके आयन तो इस कारण इसके ऊपर टोटल चार्ज बचेगा थ्री नेगेटिव तो ये जो आ, हमारे पास बना कॉम्प्लेक्स ये वायलेट कलर का होता है तो इट इज ए वायलेट कॉम्प्लेक्स इसका कलर नो डाउट थोड़ी बहुत वेरिएशन शो कर जाता है जब बेंजीन रिंग भी सब्सटीट्यूटेड हो पर यह जो रिएक्शन है हमने एक नेट काम किया गया असल में फिनोल में हमने एफ थ्री का एक्वा सोल्यूशन ही ऐड किया अगर वायलट कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसका मतलब है कि फिनोल प्रेजेंट है अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कोई कंपाउंड जो है वो फिनोल है कि कोई और है तो हम इसी तरीके से ही करते हैं कि उसमें एफ सी एल थ्री डालो अगर वायलेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो फिनोल है अगर नहीं बन पाया तो वो फिनोल नहीं कुछ और है तो ऐसी रिएक्शन सिर्फ फिनोल नहीं बल्कि बाकी इनोल भी शो कर जाती हैं तो इसलिए जो फिनोल या कोई और इनोल है वो ये रिएक्शन शो कर जाएगी इसके बाद हम सेकेंड टाइप की रिएक्शन करते हैं यह है रिएक्शन ऑफ बेनजीन रिंग यानी कि रिंग सब्स्टिट्यूशन अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ बेनजीन रिंग इसमें हम करेंगे सबसे पहले हेलोजिनेशन नंबर है तो फिनोल हम जानते हैं कि एक्वस सोल्यूशन में फिनोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है वो रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देती है और अगर फिनोल का सोल्यूशन भी एक्वस ही यूज किया जाए यानि कि अगर वाटर में हम सोल्यूशन यूज करें तो तब फिनोल की एक्सटेंसिव सब्सटीट्यूशन uh, हो जाती है यानी कि फिनोल में थ्री मोल्स ऑफ बी टू जो है ये यूज होंगे अगर सोल्यूशन है एक्वस एक्वस सोल्यूशन में तो हमें मिल जाएंगे प्रेसिपिटेट्स यानी कि फिनोल में अब तीनों पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो जाती है प्लस थ्री एच बी आर तो जो प्रोडक्ट बना ये टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफिनोल इसके व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हमें मिलते हैं टू फोर सिक्स ट्राइब्रोमोफिनोल व्हाइट कलर के इसके प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं, पर अगर सबस्टिट्यूशन की जाए, यानी कि हेलोजिनेशन ही की जाए, बाय यूजिंग लिक्विड ब्रोमीन, अगर लिक्विड ब्रोमीन यूज की जाए और सॉल्वेंट भी कोई नॉन एक्वस नॉन पोलर सॉल्वेंट हम यूज करें, जिस केस में OH ग्रुप जो है वो एज सच रहेगा फिनोल का आयनाइज इतना नहीं होगा तो उस केस में सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी यानी कि फिनोल में बेंजीन रिंग का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा विद हेलोजन तो तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो अब यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात बनती है कि अगर तो लिक्विड ब्रोमीन को हम यूज करें इन कार्बन डाइसल्फाइड या सीसीएल फोर भी हम यूज कर सकते हैं नॉन पोलर नॉन एक्वा सॉल्वेंट लेना है कोई भी तो तब सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है और जब हम एक्वा ब्रोमीन लें, यानी कि उसको वाटर में डिजोल्व करके यूज करें तब ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तब रिंग जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होती है तो इस बात का रीजन क्या है रीजन भी आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि सिंपल कंसेप्चुअल जो हैं यही कम्पिटिशन में ज्यादा पूछी जाती हैं कि कोई भी जो स्पेशल केस हुआ वो ऐसे क्यों हुआ जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अगर तो हम कोई नॉन पोलर नॉन एक्वा सॉल्वेंट यूज करें लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड तो तब सिर्फ मोनो सब्सिट्यूशन हो रही है और अगर हम यूज करें एक्सोल्यूशन यानी कि वाटर में डिजोल्व करके ब्रोमीन को तब ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाती है एक साथ ही तो इसके लिए आप लिख लो इसके बाद एक्सप्लेनेशन कि ऐसे जो एबनॉर्मेलिटी सी आई है ये क्यों आई एक्सप्लेनेशन तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपको लिखवाऊंगा भी आप लिख सकते हो इन एक्वा सोल्यूशन फिनोल गेट्स आयोनाइज टू गिव फिनोक्साइड आयन तो अगर हम एक्वा सोल्यूशन यूज करें तो ये है फिनोल फिनोल वाटर के साथ मिलकर आयोनाइज हो जाती है नो डाउट वीक एसिड होती है तो इसलिए पार्शियली आयोनाइज ही रहेगी तो एक्वा में, ये या फीनेट की में रहती है। प्लस हाइड्रोनियम आयन एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन तो अब यहां पर ओ के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और अगर ये फिनोक्साइड आयन नीचे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो बड़ी ईजली बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है अगर हम इसका कंपैरिज़न करें किसी नॉन सॉल्वेंट में हम अगर यूज करें फिनोल को तो उसमें फिनोल आयोनाइज ही नहीं हो पाती बहुत कम फ्रैक्शन में आयोनाइज होती है और अगर न्यूट्रल ओ ग्रुप हो तब ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे रिलीज करे तो तब क्या होगा जब मैंने आपको एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल का कॉज करवाया था तो उसमें फिनोल की भी पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी और फिनोक्साइड आयन की भी पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी तो फिनोल में हम देखते थे कि तीन स्ट्रक्चर्स में ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन तो इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव चार्ज को ये टॉलोरेट नहीं करती तो ये वापस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर खींच लेगी तो इस तरीके से जो न्यूट्रल ओएच ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस नहीं करेगा तो वो रिंग को एक्टिवेट तो करता है पर उतना इफेक्टिवली नहीं करता जबकि एक्वा सॉल्यूशन में फिनोल जो है वो तो फुली आयनाइज्ड होती है तो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन जो है वो बेंजीन रिंग को काफी स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देता है तो तीनों जगह पे ही तीनों ऑर्थोपैरापोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो इस बात का आप रीजन लिख सकते हो आप वर्ड में कि इन एक्वल्यूशन फिनोल गेट्स आयोनाइज एज इन एक्व सोल्यूशन फिनोल गेट्स आयोनाइज एज तो ये जो पहली इक्वेशन मैंने लिख रखी है ये आप नोट कर लो इसके बाद सॉल्यूशन में यानी कि वाटर में डिजोल्व करने के बाद फिनोल इस तरह से आयोनाइज होती है फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो इन नेगेटिवली चार्ज इन फिनोक्साइड आयन इन फिनोक्साइड आयन ये फिनोक्साइड आयन है या फिनेट आयन इसको कह देते हैं in phenoxide ion the negatively charged oxygen the negatively charged oxygen activates the benzene ring quite strongly that is makes it क्वाइट इलेक्ट्रॉन रिच एंड देर फॉर ट्राइ सब्सिट्यूशन टेक्स प्लेस क्योंकि जब बेंजीन रिंग की तीनों ऑर्थो पोजीशंस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज काफी सिग्निफिकेंट हुआ तो फिर तीनों जगह पे एक साथ ही सब्सटीट्यूशन हो जाएगी तो ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखो In non aqueous, non polar solvents, phenol does not get ionized, phenol does not get ionized, and the neutral OH group. एंड द्यूट्रल ओ एच ग्रुप एक्टिवेट दिन रिंग समवट लेस स्ट्रॉगली और जब बेनजीन रिंग ही कम एक्टिवेट होगी तो फिर तो मोनोसब्स्टिट्यूशन ही होगी फुल स्टॉप देयर फॉर ओनली मोनोसब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस देर फॉर ओनली मोनो सब्सटीट्यूशन टेक्स प्लेस तो तभी जब हम फिनोल यूज करते हैं इन नॉन एक्वस मीडियम तो तब यहां एक ऑर्थो पे या एक पैरा पोजिशन पर सब्सटीट्यूशन होती है सभी जगह पे नहीं हो पाती तो ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट गिना जाता है कि जब हम फिनोल की ब्रोमिनेशन करें अगर हम सॉल्वेंट यूज करें कि वाटर तो तब करेंटीट्यूशन हो जाती है और अगर हम यूज करें नॉन एक्वस सॉल्वेंट जैसे सी या कार्बन डाइसल्फाइड तब सिर्फ मोनो सब्सटीट्यूशन ही होती है तो रिंग सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में ये पहली थी सेकेंड रिएक्शन हम करते हैं सल्फोनेशन जब बेंजीन रिंग में हम ऑर्थो या पेरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप लगा देते हैं तो सल्फोनेशन करनी हमने पहले भी सीखी है कि हम यूज करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाईली कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अब क्या होता है ऑर्थो या पैरा पोजिशन पर सल्फोनिक ग्रुप जाके अटैच हो जाता है तो यह बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बेंजीन रिंग का कोई भी हाइड्रोजन अगर सब्सटीट्यूट करके कोई और ग्रुप लगाना हो तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ही होती है कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन नहीं होती और जब हम सल्फोनेशन करते हैं तो उस टाइम कौन सा इलेक्ट्रोफाइल और कैसे प्रोड्यूस होता है इसकी प्रोडक्शन भी मैंने आपको बताई थी कि एच टू एस ओ फोर जो है ये स्ट्रोंग एसिड होने के कारण लगभग कंप्लीटली आयोनाइज़ हो जाता है इन टू एच पॉजिटिव एंड एच एस ओ फोर नेगेटिव बाईसल्फेट आयन जो ये एच पॉजिटिव बना ये किसी अन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा तो यहां पर ये ऑक्सीजन के ऊपर कर देगा प्रोटोनेशन इस तरह से जो एच पॉजिटिव है वो ऑक्सीजन के साथ जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा बॉन्ड फॉर्म होने से पहले लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर था और जब बॉन्ड फॉर्म हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला गया अब था वो ऑक्सीजन का तो इस कारण ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज तो इस पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है वो फिर सल्फर के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है वो यहाँ से रिमूव कर लेगी यहाँ पे मैं जो वॉटर सॉरी ये वॉटर तो ऊपर वाली रिएक्शन का था तो इसके बाद यहां से एक वॉटर जो है वो लूज हो जाएगा और सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इसको लिखेंगे हम ऐसे एस फिर तीन ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड है SO3 और उसके बाद है H और सल्फर के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो यह सल्फोनियम आयन है जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग की और पेरा पोजीशन पर आ, इलेक्ट्रोफिलिक कर देता है तो यह इक्वेशन लिखने के बाद आप एक लाइन और लिखो कि एट लो टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर होगा जैसे 298 केल्विन होता है एट लो टेम्परेचर टू नाइनटी एट कैलोविन ऑर्थो आइसोमर इज दर प्रोडक्ट अगर टेम्परेचर लो है तो जो सल्फोनियम ये सल्फोनियम आइन है ये वहीं पर जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा है यानी कि ऑर्थो पोजिशन पर वाइल एट हायर टेम्परेचर वाइल एट हायर टेम्परेचर

जो सल्फ़ोनिक ग्रुप होता है या सल्फोनेशन हमने फिनोल में की तो सल्फोनेशन जो होती है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है हमेशा जो सल्फोनिक ग्रुप ये लगाया है ये क्वाइट लेबाइल ग्रुप होता है लेबाइल ग्रुप हम उनको बोलते हैं जो इजीली रिप्लेस हो सकते हैं इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप्स को हम बोलते हैं लेबाइल ग्रुप्स तो जो सल्फोनियम सल्फोनिक ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा लेबाइल ग्रुप होता है यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन इसमें फटाफट हो जाती है बड़ी इजीली। तो तभी जब हम लो टेम्परेचर यूज करें तब जो आ, हमारे पास काइनेटिकली ज्यादा फेवर्ड है मतलब जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है वहीं पे जाके जो सल्फोनियम आयन है वो अटैच हो जाता है पर जब हाई टेम्परेचर यूज करें तब थर्मोडानेमिकली मोर स्टेबल जो पैरा आइसोमर है वही बनता है तो जिस केस में कोई हिंड्रेंस वाली बात नहीं होती तो इसीलिए ही जो मैंने आपको ये लाइन भी एक लिखवाई है कि लो टेम्परेचर पर क्या मेजर प्रोडक्ट होगा और हाई टेम्परेचर पर कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा ये ध्यान में रखने वाली बात होती है अब जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है जो फिनोल जिसमें आप देखते हो कि फिनोल के ऊपर लगा है ओएच ग्रुप तो वो फिनोल को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है यानी कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच कर देता है तो जो फिर सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के साथ साथ कुछ हद तक फिनोल की ऑक्सीडेशन भी कर देगा तो जो परसेंटेज यील्ड ऑफ ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेनजीन सल्फोनिक एसिड बनी या पैराहाइड्रोक्सी बेनजीन सल्फोनिक एसिड बना उसकी परसेंटेज यील्ड थोड़ी कम होती है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स में आ, सल्फोनेशन के बाद बारी आएगी नाइट्रेशन की तो ये तीसरी टाइप की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है नाइट्रेशन जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे तो किस तरह से ये रिएक्शन करेंगे अगर हम फिनोल में नाइट्रिक एसिड ऐड करें तो से अगर हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करें तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में HNO3 से किस तरीके से NO2 पॉजिटिव यानी कि नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है वो नाइट्रोनियम आयन बेंजीन रिंग के ऊपर उसकी ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके या तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनाएगा या पैरा नाइट्रोफिनोल बना देगा ओ ग्रुप जो है डायरेक्टिंग इन नेचर, तो इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आए उसको ये डायरेक्ट करता है टू वर्ड दी पोजीशन और पोजीशन। पर जो नाइट्रिक एसिड होता है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है प्लस फाइव हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसीलिए नाइट्रिक एसिड जो है दैट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन भी कर देगा तो इस कारण जो नाइट्रोफिनोल बनी हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये पैरा नाइट्रोफिनोल है तो इन नाइट्रोफिनोल की जो परसेंटेज यील्ड है वो भी काफी कम होगी तो अगर हमें इसकी परसेंटेज यील्ड नाइट्रोफिनोल की थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी तो उस केस में हम रिएक्शन कंडीशन को थोड़ा चेंज करेंगे ताकि हमें अच्छी यील्ड मिल सके तो आप दो लाइनें लिख भी सकते हो नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज The benzene ring, as well, which oxidizes the benzene ring as well. Therefore, the percentage yield of nitrophenols is quite low. Full stop. In order to increase the परसेंटेज वील्ड नाइट्रोसेशन इज कैरिड आउट फर्स्ट तो नाइट्रोसेशन जब हम करते हैं तो बेंजीन रिंग में नाइट्रोसिल ग्रुप की एडिशन करनी होती है तो अब नाइट्रिक एसिड की बजाय हम यूज करेंगे नाइट्रस एसिड एच ओ एन ओ जिसको अक्सर बुक्स में लिखा मिलता है आपको एच एन ओ टू और पढ़ाया भी जाता है अक्सर एच एन ओ टू ही पर इसको एच एन ओ टू कभी भी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है लाइक like दिस तो यहां से एच पॉजिटिव निकल के ओ एन ओ बनता है तो जैसा कोई कंपाउंड है उसकी रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए इसमें कोई ऐसे नहीं बनता कि एच पॉजिटिव अलग और NO2 टू नेगेटिव अलग नाइट्रोजन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता है तो इसीलिए ही ये जो नाइट्रस एसिड है इसको एच ओ एन ओ लिखना चाहिए ना कि एच एन ओ टू पर हां अगर लिख भी दो एच एन ओ टू तो भी चलता है अब ये हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है हाईली रिएक्टिव है इसलिए इसकी इन सी टू प्रेपरेशन की जाती है ये आपने जब हमने बेंजीन रिंग की डाई एजोटाइजेशन की थी वो सेंड मेयर और गैटरमैन रिएक्शन के टाइम तब भी इसको इन सी टू प्रिपेयर किया था दैट इज विद इन द रिएक्शन मिक्सचर तो किस तरह से प्रेपरेशन करते हैं हम सोडियम नाइट्राइट एन एन ओ इसमें ऐड करते हैं एच सी एल और टेम्परेचर नो डाउट लो रखते हैं एच ओ एन ओ और एच सी एल आपस में रिएक्शन करके एच ओ एन ओ यानी कि नाइट्रोस एसिड और एन ए सी एल बना देते हैं तो इस तरीके से जो बेंजीन रिंग है उसमें प्रीडोमिनेंटली एट पैरा पोजीशन जो नाइट्रोसिल ग्रुप है वो एड हो जाता है अब नाइट्रोसिल ग्रुप जो है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपको पता ही है ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हैं ये इजीली ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो सकते नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विद्रॉ करेगी अब इस तरीके से नाइट्रोसिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग होने के कारण ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज की थी ओ OH ग्रुप ने ग्रुप ग्रुप जो है ये बहुत strongly ring activating होता है 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 बहुत होता को कर कर देता है। तो अब benzene ring के ऊपर थोड़ी डिक्रीज कर देती इसलिए अगर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करेंगे तब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगी तब सिर्फ नाइट्रोसिल ग्रुप जो है वही ऑक्सीडाइज होगा तो इसलिए नाइट्रोसेशन करने के बाद अगर इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाए तब इतना रिस्क नहीं होता कि बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन हो जाए तो इस तरीके से हमें थोड़ी अच्छी यील्ड मिल जाएगी पैरा नाइट्रो फिनोल की तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम नाइट्रेशन करें फिनोल की विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डायरेक्टली तो बेंजीन रिंग हाईली इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इजीली ऑक्सीडाइज भी हो जाती है तो इस कारण जो नाइट्रोफिनोल्स बनती हैं उनकी परसेंटेज यील्ड काफी लो होती है तो इनकी परसेंटेज यील्ड इंक्रीज करने के लिए पहले हम करते हैं नाइट्रोसेशन तो नाइट्रोसिल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण रिंग को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देता है इस कारण अब रिंग की ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा नहीं हो पाती चाहे हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड भी ऐड कर दें तो इस तरीके से हम देखते हैं कि तब जो बनी है, इसकी परसेंटेज यील्ड थोड़ी अच्छी होती है तो इसकी परसेंटेज यील्ड हमें करीब 90 परसेंट तक मिल जाती है तो 90 परसेंट यील्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत अच्छी यील्ड होती है क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैक्सिमम जो एवरेज परसेंटेज यील्ड होती है अच्छी रिएक्शंस में वो होती है अराउंडी परसेंट तो सिक्सटी परसेंट से अगर ज्यादा आए परसेंटेज यील्ड तो उसको हम एक्सेलेंट यील्ड बोलते हैं तो इस तरीके से जो पैरानाइट्रोसोफिनोल बनाकर हमने नाइट्रोफिनोल बनाई तो इस तरीके से जो परसेंटेज यील्ड है वो काफी ज्यादा अच्छी आती है 90% परसेंट कोई बहुत मतलब भी कम यील्ड नहीं है तो तभी हम इस मेथड को थोड़ा अच्छा मेथड गिनेंगे फॉर दी प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोफिनोल अब अगर मुझे ट्राई सब्सटीट्यूशन करनी हो जैसे आपने देखा था हेलोजिनेशन में जब हमने ब्रोमीन वाटर ऐड किया फिनोल में तो बेंजीन रिंग के ऊपर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गई थी यानी कि तीनों ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर ब्रोमीन जाके अटैच हो गई थी तो यू गॉट व्हाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2 4 6 ट्राई ब्रोमो तो अगर वैसे ही यहां पर भी मुझे तीनों पोजीशंस पर ही नाइट्रो ग्रुप चाहिए हो, तब जो तो कॉमन आईडिया है अगर हम उस तरीके से रिएक्शन करें तो इसमें ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड उसके 3 मोल्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड एच टू फोर तो अब बेंजीन रिंग के ऊपर ट्राई सब्सटीट्यूशन हो जाएगी यानी कि वी विल गेट दिस टू फोर सिक्स ट्राई नाइट्रोफिनोल टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनोल जिसको कॉमनली पिक्रिक एसिड कहा जाता है प्लस नो डाउट वाटर वगैरह बन जाएंगे थ्री मोल्स वाटर के इस तरीके से तो अब आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो किस तरीके से नाइट्रिक एसिड से नाइट्रोनियम आयन यानी कि एनो टू पॉजिटिव आयन की जनरेशन करता है जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके ऑर्थोपैरापोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप को फिट कर देगा तो एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी जो इसका थोड़ी सी स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होगी सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है कुछ हद हाँ तक इस तरह से बाकी ये एच नेगेटिव से भी एच पॉजिटिव निकल सकता है फिर जो ये एच पॉजिटिव बना अटैक करेगा ओवर ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रिक एसिड अब नाइट्रिक एसिड में तीनों ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो जो एच पॉजिटिव है वो कहां पर अटैक करेगा ये इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा OH ग्रुप वाली के डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे करेगा कि लोन पेयर वाली ऑक्सीजन पे करेगा तो कॉमन सेंस अगर हम देखें फिर तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करवाना चाहिए क्योंकि यहां पर तीन तीन लोन पेयर हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज्यादा अपीयर हो रही है तो यहां से लोन पेयर बड़ी इजिली इसको ले जाना चाहिए पर आपको पता है यहां पर एन पाई कंजुगेशन के कारण रेजोनेंस होती है और ये जो दोनों ऑक्सीजन हैं, ये पार्शियल डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन के साथ अटैच होती हैं। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं कर पाती इसलिए इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा ना होने के कारण जो एच पॉजिटिव का अटैक उतना फेवरेबल नहीं होगा पर अगर एच पॉजिटिव अटैक करे ओ ग्रुप वाली ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर बॉन्ड बनाए तो बेटा इस ऑक्सीजन के वो साथ एक वीक सा हाइड्रोजन लगा है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही नहीं तो इसलिए ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से बड़ी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी तो एज ए रिजल्ट ओ ग्रुप वाली ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होगी यानी कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हमें कंसिडर करना हो कि कहां पर होगा तो वो डेफिनेटली OH ग्रुप वाली ऑक्सीजन के ऊपर ही होगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा है तो H पॉजिटिव जैसे ही ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा उसके एक लोन पेयर को वो शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसी चीज बनाएगा अब बॉन्ड बनने से पहले लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन एटम के ऊपर था पर जैसे ही बॉन्ड बना एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के शेयर में चला गया अब था वो ऑक्सीजन का तो इस तरीके से ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ लॉस हुआ तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन इस पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसका काम होता है दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचने और अगर उसी से ही कोई इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए तो ये उसके लिए बड़ी और बात होगी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव चार्ज को कभी बर्दाश्त नहीं करती ऑक्सीजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो जा जिस भी एटम के साथ उसका कोई बॉन्ड है जो इजीली ब्रेक हो सकता हो वो इजीली ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगी तो यहां से वॉटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से जाएगा कि ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले जाएगी तो इस तरीके से खुद तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो मतलब न्यूट्रल हो गई अब ऑक्सीजन के ऊपर दोनों लोन पेर्स वापस आ गए पर नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के कारण इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यानी कि इस तरीके से हमें मिलता है नाइट्रोनियम आयन विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्च्यूशन करेगा तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में जो नाइट्रिक एसिड की एडिशन करें हम नाइट्रेशन करें तो किस तरीके से ये प्रोसीड करेगी कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है ये न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं है अब इसके बाद दूसरी बात पहले हमने देखा था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करने पे ही कि नाइट्रिक एसिड मैंने बताया था कि काफ़ी स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन कर देता है तो अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो बड़ी स्ट्रांगली बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग होगा तो इस कारण जो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो बेंजीन की बेत हद ऑक्सीडेशन कर देता है तो जो हमारे पास ये पिक्रिक एसिड बनेगा इसकी परसेंटेज तो काफी लो होगी तो अगर हमें इसकी परसेंटेज यील्ड थोड़ी अच्छी चाहिए क्योंकि ये तो एक आधा परसेंट ही बन पाएगा इस तरीके से नहीं तो वो भी नहीं बनेगा तो अगर हमें पिक्रिक एसिड की परसेंटेज यील्ड थोड़ी अच्छी चाहिए तब हमें फिनोल में बेंजीन रिंग को ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होने से थोड़ा बचा कर रखना पड़ेगा तो अब वो हम काम किस तरीके से कर सकते हैं वो आप देखोगे अभी कि हम डायरेक्टली नाइट्रिक एसिड नहीं डालेंगे बेंजीन आ, फिनोल में क्योंकि फिनोल में बेंजीन रिंग जो है वो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है इलेक्ट्रॉन रिच है अगर तो उसकी ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली हो सकती है तो इसलिए हम करेंगे यहां पर कि पहले इसकी करते हैं सल्फोनेशन तो इसमें हम कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं रादर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐड किया जाता है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड सेचूरेटेड विद एसओ थ्री। तो 373 सेवनटी थ्री पे तो हमने सल्फोनेशन जब फिनोल की, की थी तो देखा था कि ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेनजीन सल्फोनिक एसिड और हाइड्रोक्सी बेनजीन सल्फोनिक एसिड बनते हैं मतलब जो सल्फोनिक ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगता है या पैरा पोजीशन पे तो अब हमने सल्फोनिक ग्रुप को लगाया है जस्ट बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने के लिए तो इसलिए जहां मर्जी लगे चाहे पे लगे चाहे पैरा पे लगे हमें कोई इसका नुकसान नहीं होगा बस इतना जरूर है कि सेल्फोनिक ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी स्ट्रांगली अपनी तरफ विड्रॉ करेगा रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच तो जरा भी नहीं रहने देगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जब मैंने आपको आ, स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन में ऑर्डर बताया था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ का तो उसमें सेल्फोनिक ग्रुप नंबर टू पे था तो इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण अब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा इवन द कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और आपको एक बात और बताई है कि सल्फोनिक ग्रुप जो है SO3H ग्रुप ये क्वाइट लेबाइल ग्रुप होता है मतलब ये इजीली रिप्लेसेबल है इसलिए एक बार अगर सल्फोनिक ग्रुप अटैच हुआ हो तो वो परमानेंटली अटैच नहीं हुआ होता यहां से ये इजीली रिमूव हो सकता है तो इसलिए इसके बाद अगर कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी ऐड कर दिया जाए तब बेंजीन रिंग की तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी और सल्फोनिक ग्रुप जो है वो भी इजीली रिप्लेस हो जाएगा बाय अ नाइट्रो ग्रुप तो इस तरीके से हमें जो पिक्रिक एसिड की यील्ड मिलेगी ये बहुत अच्छी यील्ड होगी ये होती है करीब वही एटी नाइनटी परसेंट तक इतनी अच्छी यील्ड जो पिकरिक एसिड की है वो मिल जाती है तो अब नाइट्रिक एसिड सॉरी पिकरिक एसिड की परसेंटेज यील्ड हमें मिली 90% परसेंट के करीब तो इस तरीके से जो काम डायरेक्टली ना हो सकता हो उसके लिए हम कोई स्पेशल वे ढूंढ लेंगे कि जिससे जो परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छी हो तो नया जो नाइट्रेशन हमने की है वो काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस की पहले हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाल के नाइट्रेशन करने की कोशिश की तो तब मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक एसिड जो है ये एक बड़ा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस फाइव जो हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है अब इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, यानि कि बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन कर देगा, तो उसी से जो या बनी थी हमारे पास, उसकी काफी कम होती है। फिर ऑर्थोनाइ या पैरा नाइट्रोफिनोल की बढ़ाने के लिए हमने पहले नाइट्रोसेशन की जिसमें नाइट्रोसिल ग्रुप ने बेंजीन रिंग को उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं रहने दिया

<laughs> बुरी तरह से फिनोल की ऑक्सीडेशन कर देगा तो इसीलिए ही हम डायरेक्टली कभी कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड नहीं ऐड करते पहले हमने सल्फोनेशन की और सल्फोनिक ग्रुप जैसे आप जानते हो कि एक बड़ा लेबाइल ग्रुप होता है यानी कि इजीली रिप्लेसेबल ग्रुप है तो इसलिए सल्फोनिक ग्रुप की अटैचमेंट के बाद हम इसमें कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं तो इस केस में नाइट जो बेंजीन रिंग है उसकी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती और सल्फोनिक ग्रुप भी रिप्लेस होकर नाइट्रो ग्रुप यहां पर लग जाता है तो इस तरीके से जो पिक्रिक एसिड बना है उसकी परसेंटेज यील्ड काफी अच्छी होगी तो आप लिख सकते हो थोड़ा दो लाइनें इस बारे में <coughs> सल्फोनिक ग्रुप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप Sulfonic group is a very strong electron withdrawing group which withdraws the electron density from the benzene ring of phenol. ंग इट लेस प्रोन टू ऑक्सीडेशन मतलब ये उतनी प्रोन नहीं रहेगी उतनी इजिली इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी लिविंग इट लेस प्रोन टू ऑक्सीडेशन फुल स्टॉप नाउ द सेल्फोनिक ग्रुप बींग क्वाइट लेबाइल इन नेचर Is also replaced by nitro group when we treat the mixture with concentrated nitric acid. Full we'll stop, therefore, this way we obtain. वेरी हाई यूल्ड ऑफ पिक्रिक एसिड वी ऑब्टेन अ वेरी हाई यिक एसिड क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में मैं आपको बता चुका हूं कि नाइनटी परसेंट तक ईल्ड ये तो बहुत कम केसेस में हमें मिलती है तो इस तरीके से अगर हमें 90% परसेंट तक पिक्रिक एसिड मिल गया तो ये तो एक एक्सिलेंट होगी तो इसीलिए ही जब कभी भी फिनोल से पिकरिक एसिड बनाना हो तो हम फिनोल की ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए पहले उसकी सल्फोनेशन करेंगे और सल्फोनिक ग्रुप तो बड़ा इजीली रिप्लेस हो जाता है तो इसलिए उसके बाद हम कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल के उसकी ऑक्सीड नाइट्रेशन करेंगे तो तब बेंजीन रिंग की ऑक्सीडेशन होने के चांसेस भी नहीं होंगे और पिक्रिक एसिड की यील्ड भी काफी अच्छी आएगी फिर इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन नाइट्रेशन के बाद एल्काइलेशन आएगी तो इस रिएक्शन की बात हमने थोड़ी पहले भी की है आइडिया आपको थोड़ा बहुत इसका होगा कि नाइट्रेशन अगर हम फिनोल की करें इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री हमें पता है कि जब हम फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेन या करते हैं तो वो हम किया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ए लुइस एसिड AlCl3 e या FeCl3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण अब इधर ऑक्सीजन के ऊपर दो दो लोन हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज भी है, तो बेटा ये, ये इधर जाके कोऑर्डिनेट कर लेगा कोऑर्डिनेट बाउंड बना लेगा यानी कि इसकी कोऑर्डिनेशन हो जाएगी विद ऑक्सीजन इस तरीके से तो ऐसा करने से एल्यूमिनियम के ऊपर थोड़ा नेगेटिव रिंग के ऊपर थोड़ा पॉजिटिव कि रिंग ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी तो फिर वो नीचे बेंजीन रिंग को उतना एक्टिवेट नहीं कर पाएगी कि इधर पोजीशंस पर एल्काइलेशन हो सके और साथ में ए एल सी एल थ्री भी कंज्यूम हो जाएगा तो इसीलिए ही हम जब भी कभी अल्काइलेन करनी हो फिनोल की वो हम ए एल सी एल थ्री की प्रेजेंस में नहीं करते हैं तो आप दो लाइनें लिख भी सकते हो एलकाइलेशन ऑफ फिनोल इज नेवर कैरीड आउट बाय यूजिंग एन हाइड्रस एल सी एल थ्री बिकॉज Being a Lewis acid, it readily coordinates with oxygen of the OH group. Full stop. The alkylation is better carried out. ंग एच एफ इन प्लेस ऑफ एन हाइड्र से एल सी एल थ्री बायसिंग एच एफ इन प्लेस ऑफ एन हाइड्र से एल सी एल थ्री तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर हम फिनोल में हेलो एलके इन द्रेजेंस ऑफ एच एफ तो जिस तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट एल का इलेक्शन होती थी बिल्कुल वैसे ही ऑर्थो या पोजीशंस पर एल्काइल ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा वी विल गेट इधर ऑर्थो क्रिसोल और क्रिसोल। दोनों का मिक्सचर मिलेगा हमें प्लस एच तो इस तरीके से तो जब हम फिनोल्स बना रहे थे तो पहले जब फिनोल शुरू करने से पहले मैंने इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी आपको बताए थे तो उसमें बताया था कि अगर बेनजी फिनोल में एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो उसको हम क्रिसोल बोला करते हैं अगर ऑर्थो पोजिशन पे लगा है तो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल अगर पैरा पोजिशन पे लगा है तो इसको बोला जाएगा पैरा क्रिसोल तो अगर हम ए एल सी एल थ्री की बजाए, HF यूज करें तब जो ऑर्थोक्रिसोल और पैराक्रिसोल हमें ऑबटेन होगी उसकी परसेंटेज यील्ड काफी अच्छी आएगी अगर हम ए एल सी एल थ्री वगैरह ही यूज करें जो हेलोजन कैरियर्स हम पहले यूज करते थे जैसे हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में भी किए थे एरिन में और हेलोरिन में भी यूज़ की थी अगर वही तरीका यहाँ पर भी फिनोल्स में भी हम यूज करें तब जो लुइस एसिड था या हेलोजन कैरियर ए एल सी एल थ्री वगैरह थे वो कोऑर्डिनेशन कर जाते हैं विद दी ओ एच ऑफ दी, दी ओ ऑ ऑक्सीजन ऑफ दी ओ एच ग्रुप। तो इसलिए हम उनको यूज नहीं कर रहे यहाँ पे तो इसके बाद जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है के उपर, बेंजीन रिंग के ऊपर रिंग के ऊपर जो अटैक हो रहा था उसमें लास्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजीनेशन रिडक्शन है वैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है है ये रिएक्शन तो नहीं है. पर है तो बेंजीन रिंग की ही तो हम कर रहे हैं बेंजीन रिंग की रिएक्शंस तो इसलिए आप लिख सकते हो लास्ट जो फिफ्थ रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में आपको पता है बेंजीन रिंग जो है फिनोल में बेंजीन रिंग की अगर कैक्यूल स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो तो बेटा उसमें तीन तीन पाई बॉन्ड होते हैं मैं नीचे ये भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं कि फिनोल में जो बेंजीन रिंग है या कहीं भी बेंजीन रिंग हो तो उसमें तीन तीन पाई बॉन्ड्स हैं और आपने एल्किन्स की रिडक्शन की थी कुछ इस तरह से प्लस किया था एच टू इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पेलेडियम और इसको हीट किया था तो हमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होकर इथेन मिल गई थी यानी कि एक हाइड्रोजन इस तरफ इस कार्बन को एक हाइड्रोजन इस कार्बन को डबल बॉन्डेड कार्बन जो हैं दोनों उनको एक एक हाइड्रोजन जो है वो मिल जाता है तो इसलिए एक पाई बॉन्ड है तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम होगा दो पाई बॉन्ड होंगे तो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कंज्यूम होंगे और अगर तीन पाई बॉन्ड्स हैं तो तीनों मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ही कंज्यूम हो जाएंगे तो फिनोल में क्योंकि तीन तीन पाई बॉन्ड्स होते हैं इसलिए हम यहां पर कंसिडर करेंगे अडिशन ऑफ थ्री हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल और इसको अगर हम हीट करें अप टू थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और फाइव सेवेंटी थ्री तो हमें मिलेगी तीनों डबल बॉन्ड की रिडक्शन होकर बेनजीन से बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन और ये तो इस कंपाउंड को कहा जाएगा साइक्लोहेक्सेनोल तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये भी एक फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी थी जिसमें रिएक्शन की गई है ओवर दी बेंजीन रिंग बेंजीन रिंग ने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो ये जो लास्ट फिफ्थ रिएक्शन थी बेंजीन रिंग की रिएक्शंस में वो लास्ट थी तो इससे पहले हमने की थी सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ये जो लास्ट रिएक्शन है ये एक एडिशन रिएक्शन थी जिसमें हमने हाइड्रोजन की एडिशन कंसिडर की है